नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हिमाचल और मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। राज्य के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को अधिक सरल बनाने के लिए सरकार इसमें नई सुविधाएं जोड़कर मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को हेल्पलाइन के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉक्स विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जिस चैटबॉक्स से आप सामान्य की जो समस्याएं हैं उनको लेकर जो है वो सरकार से वो जो वार्तालाप कर सकते हैं। कॉल बैक का अनुरोध भी इस जो चैटबॉक्स उसमें किया जाएगा। इसी के साथ ही शिकायत संबंधी सुविधाओं के लिए व्हाट्सएप चैटबॉक्स विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी भी ये आपको देगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों की शिकायतों को जल्द से जल्द निपटारा कराना चाहती है और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कामकाज में बहुत ही प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत ही जो है वो अहम भूमिका निभाएगी। इसी के साथ ही व्हाट्सएप चैटबॉक्स का विकास पहले ही शुरू किया जा चुका है और इस नई सुविधा से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की दक्षता को पहुंचाने के लिए जो है वो सरकार जो है वो कटिबद्ध है और आगे जो है वो विकास के लिए किस तरह से इस चैटबॉक्स को आगे पूरे प्रदेश में फैलाया जाए उसके लिए बातचीत कर रही है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी विभागों की हेल्पलाइन सेवाओं को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन से जोड़ने की भी यहाँ पर बात की गई है। ये कदम नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए भी किया गया है। इसके अलावा हेल्पलाइन का उपयोग बेसहारा मवेशियों को जो है वो उनको निगरानी के लिए रखने के लिए भी किया जाएगा। इसके लिए आईटी विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया है। इससे क्या होगा, बेसहारा जो मवेशियाँ हैं वो मतलब वो इस जो ऐप के बनने से जो है वो आपके कैचअप में आ जाएगी और जब वो जैसे ही आपके इस एप्लीकेशन में जीपीएस होगा और ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो जब ट्रैक किया जाएगा तो आपकी जो मवेशियाँ हैं या फिर कोई भी आपको जिसला पता है तो उसको लेकर जो है वो बातचीत की जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में सुधार और महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रदेश सरकार भी कई जो है वो कार्य कर रही है। इसी के साथ ही समस्या समाधान और जनसेवा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण के साथ वो सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है।